गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका कौन सा एग्ज़ाम है? इंग्लिश का। आज कौन सा पेपर आपका है? इंग्लिश का। आप सभी बच्चे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, ठीक है? जिस बच्चे का पेपर है सभी बच्चे अपना अपना यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पे आज की डेट डालेंगे, ठीक है? आज की डेट क्या है? 21-3-2022, ओके? और यहाँ पे रोल नंबर, जिसको पता हो वो डाल लेना, जिसको नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे सभी बच्चे। डिक्टेशन, यहाँ पे आपको डिक्टेशन में क्या करना है, मैं बोलूँगी, सभी बच्चों को डिक्टेशन सभी बच्चों को करनी है। फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे सन, कौन सी स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे? सन की। तो सभी बच्चे यहाँ पे सन की स्पेलिंग लिखिए, सन मीन्स सूरज, हो गई। टू नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैप, हो गई। थ्री नंबर पे लिखेंगे टू की स्पेलिंग, यहाँ लिखो आप टू की स्पेलिंग, हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे रेड, रेड की स्पेलिंग लिखिए, फाइव नंबर पे लिखेंगे बॉक्स, हो गई। अब नीचे आएंगे, इधर यहाँ पे आप लिखोगे न्यू, न्यू की स्पेलिंग लिखिए, डेन, नेक्स्ट स्पेलिंग है हॉट, यहाँ पे लिखेंगे टॉय, नेक्स्ट स्पेलिंग लास्ट की है काउ, सभी बच्चों की यहाँ पे डिक्टेशन हो गई, काउ की स्पेलिंग हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, राइट A to Z कैपिटल लेटर्स, ये कंबाइंड लेटर A to Z है, सभी बच्चे यहाँ पे कंबाइंड करेंगे, ठीक है? ए ऐसे करके, यहाँ पे आपको A to Z कंबाइंड करना है, ओके? तो यहाँ पे A to Z कंबाइंड करेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे A to Z अपने आप से करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे राइट इन सीक्वेंस, राइट इन सीक्वेंस है B D A C, ये सीक्वेंस में नहीं है ना, तो आपको ये क्या करने है, सीक्वेंस में लिखने है, इसका आंसर यहाँ लिखोगे, ओके? तो इसका आंसर कीजिए। हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, N M O P, ये भी सीक्वेंस में नहीं है, आप यहाँ पे सीक्वेंस में लिखोगे, ओके? हो गई। कम टू द नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, है ना? ये क्या लिखा हुआ है, ई डैश जी है, फिर यहाँ लिखना है ई है, ई के बाद क्या आता है वो आपको लिखना है, जी के बाद क्या आता है यहाँ वो आपको लिखना है, ओके? ये आप कंप्लीट कीजिए पहले,
नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यू के बाद क्या आता है आप खुद लिखेंगे, डब्ल्यू के बाद क्या आता है क्या लिखेंगे, वाई यहाँ पे है ही है, ये क्या लिखवा है बेटा एम, फिर क्या आता है एम के बाद एम है, एम के बाद क्या आता है आप खुद लिखोगे यहाँ पे, ओ के बाद और यहाँ पे क्यू है ही है, ओके ये लाइन आप खुद कंप्लीट करोगे, हो गई। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, कम टू द नेक्स्ट लाइन, क्या लिखा हुआ ये ए, ए के बाद क्या आता है आप यहाँ लिखोगे, सी के बाद क्या आता है यहाँ आप खुद लिखोगे, यहाँ ई है ही है, ओके ये लाइन कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट लाइन, आई है, आई के बाद क्या आता है के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है पहले ये बताओ, यहाँ पे लिखोगे के बाद क्या आता है आप लिख लिया, यहाँ क्या ये एम है, ये हमारे क्या आते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स, ये कंप्लीट हो गए हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, कम टू द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे देखेंगे कम क्वेश्चन नंबर 5, राइट बिटवीन लेटर, है ना बिटवीन लेटर, ई और जी का बिटवीन लेटर क्या होता है आप लिखोगे यहाँ पे, फिर डब्ल्यू और वाई का बिटवीन लेटर क्या होता है यहाँ लिखना है आपको, आई का बिटवीन लेटर क्या होता है यहाँ लिखोगे, और आई और के का बिटवीन लेटर यहाँ लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, ए और सी का बिटवीन लेटर आप यहाँ लिखोगे, क्यू का, क्यू और एस का बिटवीन लेटर क्या होता है आप यहाँ लिखोगे। इतना हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ लिखा हुआ सी डैश डब्ल्यू, ये आपको क्या करनी है कंप्लीट करनी है ये स्पेलिंग, ठीक है सी और डब्ल्यू के बीच में क्या आएगा ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, यहाँ पे क्या आएगा वहाँ यहाँ पे लिखोगे आप, ये स्पेलिंग कंप्लीट हो गई आपकी। टी और एन ये कौन सी स्पेलिंग बन गई यहाँ पे आप खुद ही बनाओगे, ये हो गई हमारी एम और एन के बीच में, अब यहाँ पे ये स्पेलिंग कंप्लीट करोगे, अब आप नेक्स्ट स्पेलिंग कंप्लीट करोगे, ये सी टी कौन सी स्पेलिंग बन गई है यहाँ पे, डी और जी यहाँ पे क्या बनेगा ये आप खुद ही करोगे, डी और जी कौन सी स्पेलिंग क्या लिखना है आपको ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, पी और एन के बीच में क्या होता है ये स्पेलिंग भी आपको कंप्लीट करनी है। ये यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, मैचिंग है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ई और यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, तो कैपिटल और स्मॉल इन दोनों में क्या करना है आपको मैचिंग करनी है, इन दोनों की क्या करनी है आपको मैचिंग, तो आप ई की मैचिंग कीजिए पहले, यहाँ पे किस के से करनी है, ई से करनी है, एन से करनी है, यू से या ओ से किस से करनी है आप देखो और मैच करो, ओके के की भी मैचिंग, यू की, ओ की, एम की, ठीक है ये आपको क्या करनी है मैचिंग करनी है, ठीक है तो ये मैचिंग आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, लुक एट द पिक्चर राइट द स्पेलिंग, यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए कौन सी पिक्चर है इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, रेट है, रेट की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गई हमारी, ये कौन सी पिक्चर हुई है ये इसकी स्पेलिंग लिखेंगे आप यहाँ पे,
ये क्या है, ये वाली पिक्चर देखिए, फिर इसकी स्पेलिंग लिखिए। ओके, ये कौन सी पिक्चर है, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे स्पेलिंग लिखो। ओके, री राइट इन गुड हैंड राइटिंग, आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये राइटिंग करनी है आपको। ओके, ऐसे करके। टैप फैट और हॉट, टैप फैट हॉट, आपको ऐसी ही क्या करनी है, राइटिंग। इसमें आप क्या करोगे, राइटिंग करोगे। ओके, तो बेटा सभी बच्चे ये वाला इंग्लिश का पेपर जो है, आप सुंदर सुंदर राइटिंग में काम, सुंदर सुंदर राइटिंग में ये करोगे, ठीक है बेटा। ये आपका इंग्लिश का पेपर अगर कंप्लीट हो जाए तो आप सभी बच्चे सेंड कर देंगे। ओके ओके बेटा, बाय।